मैं हैवल्स की टॉर्च की आउटडोर में टेस्टिंग करने आ चुका हूँ। ये इसका हाई बीम है जिसकी वॉट एलईडी जो है वो 5 वॉट्स की है। ये आप देख पा रहे हो इसका फोकस, मैं लॉन्ग रेंज भी इसकी फोकस दिखाता हूँ आपको। ये इसका लो बीम है। तो बहुत ही सही टॉर्च है 1000 रुपये की रेंज के हिसाब से। मैं इसका कंपैरिजन वीडियो लाऊंगा, अगर आपको किसी के साथ इसका कंपैरिजन वीडियो चाहिए तो ये 1000 रुपये के हिसाब से वर्थ ही टॉर्च है। बाकी इसका मैं चार्जिंग टाइम और इंडिकेटर के बारे में भी आपको आगे डेडिकेट करता हूँ कि क्या रहता है इसका। ये सामने देखिए, ये बंदा एकदम इजीली प्रॉपर विजिबल हो पा रहा होगा आपको। ये लगभग 100 मीटर्स के आसपास होगा दूर बंदा। इस टॉर्च की अगर मैं फाइनल वर्डिक्स की बात करूं, ये टॉर्च बहुत ही ज़्यादा प्रीमियम क्वालिटी का है। बस हैवी वेट है, 700-800 ग्राम के आसपास वेट होगा, जो कि मैं अगर बात करूं तो आईबेल के टॉर्च के मुकाबले ये बहुत लाइट वेट है। बैटरी कैप, अगर बैटरी बैकअप की बात करूँ, हाई बीम पे 2 घंटे में 10-5 मिनट ऊपर नीचे हो जाता है, 10 मिनट नीचे ही चलता है। और लो बीम पे मैं बात करूँ 6 घंटा ये चलता है एग्जैक्टली। और इसमें जो यहाँ पे इंडिकेटर है, यहाँ पे फुल चार्ज इंडिकेटर भी है, फुल चार्ज होने पे डिफरेंट ग्लो करने लगता है, वैसे चार्जिंग के टाइम रेड ग्लो करता है। और इसमें आप किसी भी फ्यूचर फ़ोन का चार्जर यूज़ कर सकते हो, USB चार्जिंग टाइप है। और बिल्ड क्वालिटी सब अच्छा है इस टॉर्च का, कंसीडर कर सकते हो। और मैं इसका जल्द ही कंपैरिजन वीडियो, अगर आप चाहते हो तो मैं कंपैरिजन वीडियो भी बनाऊंगा। इसी कंपैरिजन वीडियो मेरे हिसाब से विप्रो इमर्ज करके जो आता है वो, और फिलिप्स ब्लेज के साथ ये कंपैरिजन वीडियो इसकी होनी चाहिए। मैं कोशिश करूंगा कि जल्द से जल्द कंपैरिजन वीडियो बनाऊं। अगर आप चाहते हो तो कमेंट में मेरे को बताना कि मैं वीडियो बनाऊं कि ना बनाऊं। थैंक यू।